प्रदेश में आने वाले दिनों में गौवंश में लंपी बीमारी होने की आशंका को देखते हुए पशुपालन विभाग की ओर से गौवंश का टीकाकरण किया जा रहा है। पशुपालन विभाग के प्रमुख शासन सचिव विकास सीताराम भाले ने बताया कि 30 जून तक गायों को लंपी बीमारी से बचाने के लिए टीकाकरण विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जयपुर के बस्सी में घर घर जाकर गायों को टीका लगाया जा रहा है। लंपी जो दस्तक देता है बेसिकली अपने को मानसून में देता है, तो हमें पूरा विश्वास है कि मानसून के पहले हम लोग पूरा टीकाकरण करेंगे। हमारा प्रोग्राम 25 मई से शुरू हो रहा है, तो 25 मई से, हालांकि भारत सरकार ये कहती है कि आप 1 जून से शुरू करें, लेकिन हमने प्रोएक्टिव स्टेप लेते हुए 25 मई से हम प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि 30 जून तक हम लोग जो है 80% जो 1.25 करोड़ के आसपास पड़ता है उतने वैक्सीन हम पशुओं को लगाएंगे। लंपी को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 25 मई से शुरू हो गया है और 30 जून तक चलेगा। इस अभियान के तहत भारत सरकार द्वारा वैक्सीन्स लंपी रोग की रोकथाम में तो वैक्सीन्स उपलब्ध करवाई जा रही है। प्रथम चरण में हमने लगभग 10,000 गोवंश का वैक्सीन कर चुके हैं और बाकी डोर टू डोर पशुपालकों के घर पे जाके वैक्सीनेशन किया जा रहा है। ये LSD वैक्सीन है, इसको लंपी के रूप में जाना जाता है और ये पशुओं के अंदर शरीर के ऊपर जगह जगह गांठदार वो करके और उसके अंदर मवाद भर जाती है, पशु खाना पीना छोड़ देता कर देता है। और है जो हमारा उद्देश्य घर घर जा करके पशुपालकों के घर पे जाके और लंपी का टीकाकरण करना है, जिससे उनका 100% टीकाकरण का अभियान सफल हो सके और किसी भी पशुपालक का कोई पशु इस टीकाकरण से नहीं छूट। लंपी का टीका निःशुल्क लगाया जा रहा है, डॉक्टर साहब ने आके लगाया। हमारी गायों का टीका लगाने के बाद बचाव रहता है।